और जिला प्रशासन को क्या क्या करना है, किस निर्देश क्या क्या मिला हुआ है, उसे क्या क्या करना है उनको, वो स्पष्ट जब तक नहीं कर देती है कि पंचायत में और प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटरों में क्या क्या हो जाती है और उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है। पूरे शिवहर जिला में कितने मजदूर आए हैं, उनको प्राप्त हुआ है मुखिया के द्वारा या जिला के जो प्रशासन अगर बताते हैं कि हमने ये सारी जिम्मेवारी मेरी है तो हमने पूरा किया है कि नहीं, जितने मजदूर प्रवासी मजदूर आए हैं उनको पूरा किया गया है कि नहीं किया गया, समय पर व्यवस्थित सारा व्यवस्था मिला है कि नहीं मिला है, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती मेरा ये आमरण अनशन चलते रहे। खुलासा में आपका स्वागत है। शिवहर जिला में प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन कैंप पर जरूरी संसाधन व सुविधा नहीं होने को लेकर अविराजपुर बैरिया पंचायत की मुखिया रूबी देवी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज उनके आमरण अनशन का तीसरा दिन है। रूबी देवी मुखिया भी हैं और वो शिवहर के डीएम से ये जानने के लिए अनशन पर बैठी हैं कि पूरे शिवहर जिला में कितने मजदूर प्रवासी मजदूर बाहर से आए, कितने की जांच हुई, कितने को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, उन क्वारंटीन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जब तक शिवहर के डीएम इसका खुलासा नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से लोगों को नहीं बताएंगे, रूबी देवी का कहना है कि तब तक वो आमरण अनशन और धरना पर बैठी रहेंगी। आपको बता दें कि क्वारंटीन कैंप संचालन और उस पर हो रहे खर्च को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन हैं उनका हमेशा हंगामा होते रहता है, उनका विरोध जारी है। ऐसे में रूबी देवी का यह अनशन इसलिए है कि डीएम पहले ये स्पष्ट करें कि पूरा मामला क्या है, खर्च का ब्यौरा दें। शिवहर से गौतम गुप्ता की ये रिपोर्ट।